वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जिनको हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 2 से संबंधित, जिसका नाम है वीर बालक अभ्यन्यु के प्रश्न उत्तर कराएंगे। अब आप अपने पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों देखिए, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपका पहला प्रश्न है पाठ 2 वीर बालक अभिमन्यु। आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना उसी दिन क्यों की थी? उत्तर है अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने सोच समझकर चक्रव्यूह की रचना की। दूसरा प्रश्न है दुर्योधन इस बात से क्यों निश्चित था कि चक्रव्यूह तोड़ा नहीं जा सकता? अर्जुन के रणभूमि में ना होने के कारण दुर्योधन निश्चिंत था कि चक्रव्यूह तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा प्रश्न अभिमन्यु ने किस प्रकार वीरगति पाई? अधर्मियों से युद्ध करते हुए अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त की। आपका अंतिम प्रश्न है आपको दुर्योधन और दुशासन का चरित्र कैसा लगा? दुर्योधन और दुशासन दोनों ही पापी और अधर्मी थे। उन्होंने एक निहत्ते बालक की हत्या की थी। ये आपके पाठ 2 से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। अब आप पाठ 3 के क्वेश्चन आंसर देखिए, जिसका नाम है महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। आपके पुस्तक में ये प्रश्न दिए हुए हैं। आइए अब हम इनके उत्तरों को देखें। पाठ 3 महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। पहला प्रश्न है न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा गया? न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं, इसीलिए वे सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। दूसरा प्रश्न है बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था? बचपन से ही न्यूटन कम बोलता था और शर्मीला था। आपका तीसरा प्रश्न है पढ़ाई में न्यूटन की लगन देखकर उसके मामा ने क्या किया? पढ़ाई में न्यूटन की लगन देखकर मामा ने उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। अगला प्रश्न है न्यूटन ने क्या क्या बनाया? न्यूटन ने हवाई चक्की, पतंग, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि बनाए। आपका अंतिम प्रश्न है किस बात के बल पर न्यूटन ने बड़ी खोजें की? किसी भी काम को पूरा करने की लगन के बल पर न्यूटन ने बड़ी खोजें की। अब आपके पाठ 4 से संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए, पाठ 4 जिसका नाम है शूल पाणी का उद्धार। आइए अब आप अपने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखें। ये आपके पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। पाठ 4 शूल पाणी का उद्धार। शूल पाणी कौन था? उसका यह नाम कैसे पड़ा? शूल पाणी राक्षस था। वह अपने हाथ में एक शूल रखता था, इसी कारण उसका नाम शूल पाणी पड़ा। दूसरा प्रश्न है उपमन का दृश्य का वर्णन कीजिए। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था, उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। आपका तीसरा प्रश्न है गांव के मुखिया ने भगवान महावीर से क्या कहा और उन्होंने क्या उत्तर दिया? गांव के मुखिया ने भगवान महावीर से कहा, प्रभु इस चैतन्य में एक राक्षस रहता है, वह बहुत निर्दयी है। महावीर ने उत्तर दिया, तुम मेरी चिंता मत करो। आपका अंतिम प्रश्न है शूल पाणी ने भगवान महावीर के साथ कैसा व्यवहार किया? शूल पाणी ने भगवान महावीर के साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया। आपका अगला प्रश्न है शूल पाणी क्यों तड़पने लगा? कौशिक नाग के काटने पर शूल पाणी तड़पने लगा। आपका अंतिम प्रश्न है
भगवान महावीर ने शूल पाणी की मदद किस प्रकार की? महावीर भगवान ने जड़ी बूटी से उपचार करके शूल पाणी की मदद की। ये आगे पाठ चार के से संबंधित क्वेश्चन आंसर थे। अब आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।